अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर सेवक शालम भाई के पास में, जिनसे हम बात करेंगे जिस तरह से कुर्बानी करीब आ रही है। ईद उल अज़हा का पर्व जो है करीब आ रहा है, और ऐसे मौके पर जितने भी मुसलमान भाई हैं जो कुर्बानी करने के लिए जो है उत्सुक हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुमरा में जो है अभी तक किसी स्लॉटर हाउस का इंतज़ाम नहीं किया गया, और बड़े जानवर जो कि बड़े पैमाने पर सेल भी किए जा रहे हैं, लेकिन मनपा ने जो है अभी तक किसी तरह का कोई स्लॉटर हाउस का या कहीं पे कुर्बानी करने का कोई आदेश नहीं दिया है। इसी को लेकर के हम जो है आज बात करते हैं MIM के नगर सेवक शालम भाई से कि उन लोगों ने क्या कदम आगे उठाया है। शालम भाई, जिस तरह से मुमरा में कुर्बानी को लेकर के बहुत जो अपने मतलब मुसलमान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हो रहे हैं कि हमें कुर्बानी करना है, लेकिन किसी तरह का कोई ज़रिया उनके सामने नहीं आ रहा है, तो इस पर आप लोगों ने क्या कदम उठाया है? देखिए, जिस तरीके से अभी कुर्बानी नज़दीक आ रही थी, हम लोगों ने मनपा से अपने परमिशन की मांग की थी, हमने लेटर भी डाला था, और बड़े के जानवर जो हमारे देश में इस वक्त मतलब ये इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो जानवर शहर के अंदर आए हैं, भैंस है, पाड़े, तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर परमिशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि परमिशन एक दो दिन के अंदर थाना महानगर पालिका के और आयुक्त साहब ये अच्छा फैसला देंगे और मुमरा शहर के अंदर ये सेलेटर हाउस का बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि हर साल हमारी महानगर पालिका इस पर काम करती है और सेलेटर हाउस का परमिशन मिलता है हम लोगों को, तो इस बार भी इंशाल्लाह ताला के हो सकता है, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये एक दो दिन के अंदर ये फैसला आएगा, शहर के हक में फैसला आएगा, सेलेटर हाउस मिलेगा, भले 10 नहीं मिलेगा तो 5 मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फैसले मतलब शहर के हक में आएंगे। जिस तरह से जो है कुर्बानी को लेकर के ये भी कहा गया है कि कुर्बानी को पर्दे में करना चाहिए, उसकी कुर्बानी के गोश्त को कहीं वेस्ट ना करना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं अपने भाइयों से पूरी अपील करता हूँ कि जब आप अपने जानवर की कुर्बानी करें तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कोई चीज़ रोडों पर ना फेंके, उसकी गंदगी रोडों पर ना फेंके, और गोश्त को यहाँ वहाँ ना फेंके, बल्कि अच्छे तरीके से कुर्बानी की जाए, पर्दे में की जाए, ताकि हमारे जो हिंदू भाई अतराफ़ में रहते हैं उनको इससे कोई तकलीफ़ नहीं होवे। जिस तरह शालम भाई, सरकार ने कहा सिंबॉलिक तौर पर आपको कुर्बानी करना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ऐसा ना, देखिए हमारा दीन, हम जिस दीन को मानने वाले लोग हैं इसमें सिंबॉलिक कोई नाम कोई चीज़ है नहीं, तो ये जो कुर्बानी है ये हमारे मुसलमानों का एक सबसे मतलब दो बड़े त्यौहार हमारे जो फ़राइज़ हैं, एक ये रमज़ान का और ये ईद उल अज़हा का है, तो इसके अंदर हमें देखो जानवर जो हम जानवर कुर्बान भी करते हैं ना, तो उसको चेक करते हैं कि मतलब वो कोई मतलब उसके अंदर कोई नुक्स तो नहीं, कोई ऐप तो नहीं, कान नहीं कटा, सिंग टूटी नहीं हुई, हाल में जोता तो नहीं गया ज़्यादा, उससे काम नहीं किया गया, तो इस तरीके से ये कुर्बानी हमारी उसमें नहीं हो सकती। हमें तो जानवर की कुर्बानी करना है एक तरीके से, जो कुर्बानी दी जाती है जो हमारा दीनी फ़राइज है और ये मुसलमानों पे फ़र्ज है, जो साहिब हैसियत हैं, तो इसको करना चाहिए, और ये सदियों से चला आ रहा है, कोई आज नया तो आया नहीं मुसलमान ईमान इस्लाम के अंदर कुर्बानी, क्या मतलब जज्बात में अवश्य कर रहे, सदियों से आज दुनिया जब से बनी है तब से लेके आज तक कुर्बानी मुसलमानों में रखी गई है, ये एक दीनी फ़र्ज है मुसलमानों का, तो इसमें हम तो बिल्कुल हमारा आस्था जैसे जिस तरीके से हमारे नबी ने हमें सिखाया दिन, हम उसी तरीके पे करेंगे और कुर्बानी उसी तरीके से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे MIM के नगर सेवक शालम भाई, जिन्होंने कहा कि कुर्बानी का एहतराम करें और पर्दे में करें, और उसके कुर्बानी के गोश्त को या उसके जो भी वेस्ट चीज़ें उसको रोड पर फेंक के गंदगी ना करें। इस तरह से इन्होंने जो है थाने नगर पालिका से मांग भी किया है स्लॉटर हाउस की, तो देखना यही है कि क्या थाने मनपा जो है इनकी बात को कहां तक रखती है और स्लॉटर हाउस कब तक देती है। कैमरामैन आदिल खान के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।